यू कौन है बच्चे में? मेरे बहुत प्रॉब्लम की बात है, और मेरे हमेशा बुरे टाइम में भी और अच्छे टाइम में भी मेरे चाचा और चाची हमेशा मेरे साथ रहे हैं, और आज भी मुझे यहाँ पे ऑनर करने आए, हिम्मत बढ़ाने आए हैं। तो फहमीदा हसन खान, जो कि बहुत बड़ी सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो डरती नहीं हैं, डटी रहती हैं और बहुत सारे काम किए हैं, वो यहाँ पे हैं। और हमारे चाचू हसन खान, मिस्टर हसन खान, जो कि फेमस एक्टर हैं एंड प्रोड्यूसर भी हैं, तो ये आज मेरे साथ हैं। जी सर, मैं क्या कुछ कहेंगे डॉक्टर? आज एक पेरेंट होने के नाते आज समाज के अंदर जो इरम ने काम किया है अभी तक का, और इसके लिए इसको जो ये डिग्री से नवाजा गया है, तो मेरे लिए भी एक गौरव की बात होगी कि हमारे बच्चे आज सामाजिक परिस्थिति, लोग भी जानते हैं कि कितने कैसे चल रही है, उसके अंदर भी इन्होंने अपना एक इंसानियत का जो धर्म है वो नहीं खोते हुए उन्होंने सामाजिक कार्य ही किया है। उन्होंने, लोग पिक्चर बनाते अपने फायदे के लिए, लेकिन इरम ने कभी भी पिक्चर बनाया है फायदे के लिए नहीं, इन्होंने समाज में कोई मैसेज पहुंचाने के लिए कि हमारे समाज में क्या चल रहा है, हमारी जो गंगा जमनी तहजीब है, हमारे लोगों के ऊपर जो हो रहा है, तो हमें किस तरीके से उन्हें बाहर निकालना चाहिए। आज उन्होंने सबसे पहला प्रोग्राम लिया था ISI, मतलब मेरी हस्ताक्षर मेरा पहचान, उन्होंने वो भी कंप्लीट किया। आज एसिड गर्ल के लिए, जिनके ऊपर हमले होते थे उनके लिए फंड जमा करके बच्ची ने हमारी दी है। उसके बाद में आज जो वृद्धाश्रम चल रहे हैं, जैसे कि लोग पढ़ लिख के, एक माँ पांचों बच्चों को साथ में रख सकती है, लेकिन पांच बच्चे एक माँ को नहीं संभाल रहे, बाप को नहीं संभाल रहे, तो वहाँ जाके उनकी भी हौसला अफजाई करना और उनके साथ दो वक्त बिताना और उन्हें अपनापन देना, ये भी हमारी बच्ची ने किया है। तो मैं दुआ करूंगी अल्लाह ताला, गॉड, हमारे गुरु गोविंद सर जी और हमारे ईश्वर भगवान, जितने भी देवी देवता हमारे हैं, अल्लाह है, उनसे के हमारी बच्ची को इसी काम के अंदर और आगे तरक्की दे, और अल्लाह उनकी सारी जायज मुरादें पूरी करे, और जो एक मुकाम वो पहुंचना चाहती है मुकाम के अंदर पहुंचने के लिए कामयाबी अता करे। आमीन। मेरे पास में तो शब्द ही नहीं है, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छा ही कहता है, मगर आज जो वक्त आया है, बड़ी कठिनाइयों से, बड़ी मुश्किलों के बाद आया हुआ ये, और यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो वाकई में मैं कहूँगा आप लोगों से कि मेरी भतीजी, मेरी बच्ची, मेरी बेटी इरम ने बहुत जद्दोजहद किया हुआ है। बस मैं सिर्फ दो ही शब्द इनके लिए कहूँगा, एक शेर याद आ रहा है मुझे इनके ऊपर कि कई बार टूटकर जुड़ी हूँ यारो, अब मौत से डर नहीं लगता है यारो। गैरों से क्या शिकायत करूं, अपनों के हाथों ही मरी हूं यारो। क्या बात, बेहद, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से ये अच्छे काम करते रहे और ऐसे ही तरक्की करते रहे। हम सभी की दुआएं इनके साथ है, ये कभी भी अकेली नहीं रही है, ये जब भी चली है पूरे कारवां को साथ लेकर चली है। शुक्रिया। इरम को लगा था कि डॉक्टर बनना है मुझे, हां स्कूल के बाद कॉलेज छोड़ के मैं डॉक्टर बनना है। नहीं, मैं हमेशा से मैं मीडिया के तरह फिल्म में ही आना चाहती थी। मैंने बताया था, मैं जब बहुत छोटी सी थी और मेरी मम्मी का मतलब क्या था, ऑफिस वगैरह रहता था, तो मुझे बहुत जल्दी स्कूल में डाल दिया गया था। तो कुमारी ध्यान विद्यालय फातिमा कॉन्वेंट से पढ़ी हूँ कानपुर शहर में, तो मुझे कुछ डांस नहीं आता था, कुछ नहीं आता था। तो उन्होंने मुझे कुछ पूछा कि आप ये बताइए, मैंने कहा मुझे डांस आता है, तो श्रीदेवी का मैंने हाथों पे डाला चिड़िया को, मैंने डांस करके दिखाया, मेरे फट से एडमिशन हो गया। ये चीज़ मैं कहूँगी कि मेरा हमेशा से फिल्म में ही आना था, कहते ना बांध दिया था मैंने हाथ में कि मैं मुझे फिल्म इंडस्ट्री में ही आना है। आई थी मैं एक्ट्रेस बनने, कुछ मैंने टीवी सीरियल्स किए, कुछ मैंने एड्स किए, कुछ मतलब एवीज किए, लेकिन मैंने जो किया मैं प्रोड्यूसर बनी और अब फिल्में बनाती हूँ, चूज करती हूँ ऐसा सब्जेक्ट जो मुझे लगता है कि इट कैन बी हिट हियर टू अदर पीपल, टू आवर सोसाइटी आल्सो। तब तो प्रोड्यूसर करते एक्टिंग तो कर आप कुछ कर सकती है। यस, अगर मुझे ऐसा लगता है आगे जब फिल्में मैं बनाऊंगी, ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे रोल हैं जो मैं बखूबी निभा सकती हूँ, क्योंकि मैं थिएटर आर्टिस्ट रही हूँ, मैंने एक्टिंग भी सीखी है, उस लखनऊ में से ही मैंने एक्टिंग सीखी है जाकर वहाँ पे,
तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, आगे कुछ ऐसा आएगा सब्जेक्ट जो लगता है कि इरम फरीदी कैन रियली डू जस्टिस फॉर द रोल, तो मैं जरूर उस रोल को आगे करना चाहूँगी। आखिर में क्या कुछ सेंटेंस देंगे लोगों को? सेंटेंस तो सेंटेंस के साथ साथ मेरे सारे मैसेजेस हैं, मैसेज बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक आज अनोखा मैसेज है। वो मैसेज ये है कि हमारी जो चाची हैं फरमीदा चाची ने कुछ इनिशिएटिव इन्होंने भी उठाए हुए हैं। इन्होंने अभी जो एक मुद्दा भी उठा था, आप थोड़ा सा उसमें बोलिए। मैंने हमारे समाज के लिए ये मुद्दा उठाया कि हमें अगर महंगाई के सामने लड़ना है, हमें बेरोजगारी के सामने लड़ना है, और हमारी समस्या अगर यही सब प्रार्थनाओं से अगर दूर होती है, तो हमें सबको मिलके सर्वधर्मीय प्रार्थना, हमारे जो विश्व गुरु अपने आप को कहलाने के लिए बोलते हैं कि मैं अभी विश्व गुरु बनूंगा, हमारे देश को विश्व गुरु बनाऊंगा, तो हमारे प्यारे से ऐसे नरेंद्र भाई मोदी जी जो हमारे पीएम हैं, उनके घर के बाहर पूरी भारत की जनता को साथ में चल के, जैसे हमने उनके बोलने पे थाली बजाई ताली बजाई, वैसे हम सर्वधर्मीय प्रार्थना भी करना चाहेंगे। और इससे हमारी जो गंगा जमुनी तहजीब है वो एक रहनी चाहिए, एक झूठ, और उसके बाद में हमारे सारे देश के जो प्रॉब्लम है खत्म होनी चाहिए। बिल्कुल, इसीलिए मैसेज में मैं यही देना चाहूंगी कि क्या हम इंडियंस, हम भारतीय, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सिर्फ हमारे राष्ट्रगान में ही नहीं होना चाहिए, हमारे सिर्फ और हमारे दिलों में होना चाहिए, एकजुट होकर रहना चाहिए, और ये हम हिंदू मुस्लिम खत्म करके क्या जिंदगी में आगे बढ़ के इस देश के लिए कुछ अच्छा करके जा सकते हैं। यही मेरा मैसेज है हमारे युवाओं के लिए और मेरे बड़ों के लिए। और हमें सबको सिर्फ और सिर्फ इंसानियत का सर्टिफिकेट में मानना चाहिए, बाकी कोई सर्टिफिकेट में मानना नहीं चाहिए। ये मेरे लिए बड़ा ही मतलब बहुत कहते हैं ना, जब इंसान की पैदाइश होती है वो बड़ा होता है, स्कूल जाता है फर्स्ट टाइम, वो अलग मोमेंट होता है माँ बाप के लिए। जब वो पहली गर्लफ्रेंड बनाता है, बॉयफ्रेंड बनता है टीनेज में, तो अलग ही माहौल होता है, अलग ही। जब ग्रेजुएट होता है तो अलग फील होता है, शादी होती है, बच्चे होते हैं, उनके बीच में एक चीज़ आती है, और वो चीज़ ये है कि समाज की तरफ से आपको आपके किए गए सराहनीय कार्य द्वारा आपको समाज की तरफ से एक बहुत बड़ा ओहदा मिला, जो कि मुझे सेंट मदर टेरेसा यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया है एज डॉक्टरेट डिग्री इन फिल्म प्रोडक्शन एंड एज अ सोशल एक्टिविस्ट। मैंने 5 इनिशिएटिव लिए थे और जिसको सक्सेसफुल मैंने किया है। आज मैं ऑफिशियली आप सबको बोलना चाहती हूँ कि आप लोग हिम्मत के साथ, अच्छी दुआ के साथ और प्राउड के साथ मुझे डॉक्टर इरम आफ्ताब फरीदी बोल सकते हैं। थैंक यू। पहला कदम क्या होगा ऐसा कि जो इस पदवी की बात करना चाहती हूँ? पहला कदम कदम बढ़ाने से पहले मैं ये जानूंगी कि मेरे कदम कितने मजबूत हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये डॉक्टरेट डिग्री मिलने के बाद मेरी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है। अवार्ड्स तो मैंने बहुत जीते मिले मेरे कामों के द्वारा, फिल्म बनाने के द्वारा, क्योंकि इरम एंटरटेनमेंट ने काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हैं और आगे भी हम अग्रसर हैं, क्योंकि हमने उसको खींच कर अपने पर्दे को उतारा है। लेकिन ये जो मेरा डॉक्टरेट का डिग्री है, ये बताता है कि मैंने सीरियसली अपना टाइम नहीं वेस्ट किया, मैंने फोकस रखा अपने आप को, और आगे जाके अब मैं जो चीज़ें करने वाली हूँ वो अलग होंगी, क्रिएटिव होंगी, और मेरा एक अनूठी पहल होगी समाज के लिए कि मैं बेहतर से बेहतर समाज को अपनी तरफ से कुछ अच्छा दे पाऊँ। तब पर्दे पे डॉक्टर इरम फरीदी निकल जाएगा? यस, आज से आज है 14th May 2022 दोपहर के 2:15 में, तो यू ऑल कैन यू नो नाउ कॉल मी डॉक्टर इरम आफ्ताब फरीदी। ये चीज ली मैंने, ये ठानी कि मैं जरूर इस बात पे आगे जाऊंगी और मैं न्याय मांगूंगी। और बहुत बहुत धन्यवाद मुंबई पुलिस का, मुंबई महाराष्ट्र सरकार का भी, कि उन्होंने मुझे मेरा न्याय दिलवाया और इतनी हिम्मत दिलवाई कि मैं आज आपके सामने बैठकर अपनी बातें रख पा रही हूँ। बहुत मुश्किल होता है, आप सोचिए, एक लड़की अपने एक
सिटी से आई हो जो मुंबई तक हमें पहुंचने में हमारी आधी उम्र गुजर जाती है, हम जैसे लोगों की उत्तर यूपी बिहार एमपी कितने बेचारे लोग हैं, टैलेंटेड लोग यहाँ तक आते हैं, उनके साथ क्या होता है कि जो प्रवासी राइट प्रवासी लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं, वो भी आते हैं, उनका बैकग्राउंड नहीं पता है और वो क्या करते हैं, ऐसा ही कुछ क्राइम करते हैं और मेरे जैसी लड़कियां फंस सकती थी, बट मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं डटी रही और मुझे न्याय मिला और जब उस चीज़ से निकली तो मैं ऐसे आगे गई कि एक कदम पीछे करके मैंने जो छलांग लगाई है वो इतनी अच्छी इतनी बड़ी छलांग है कि मैं इतना कुछ कर पाई हूँ। मैंने केस भी लड़ा, मैंने फिल्में भी बनाई, मैंने सोसाइटी के लिए भी बहुत कुछ किया, मैंने इनिशिएटिव्स भी लिए, तो शायद उस सब का कहते हैं ना मिक्स होके जो आया है वो एक डॉक्टरेट डिग्री के रूप में मेरे लिए आया है। सेंट मदर टेरेसा यूनिवर्सिटी से मुझे नवाजा गया है, डॉक्टरेट डिग्री से मुझे नवाजा गया है, जिसमें मेरे किए गए फिल्म प्रोडक्शन एंड सोशल एक्टिविस्ट के द्वारा मैंने इतने सारे काम किए हैं। तो वो जो ये ओहदा मिला है मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेरी जिम्मेदारी मैंने कहा ना मेरी बढ़ गई है और मैं अभी खाली बैठती हूँ ना तो मैं मेरा दिमाग मशीन ही हो गया आप कह सकते हैं, क्योंकि ये जो टाइम है ना मैं रुकना नहीं चाहती, मैं ज़मीन पे ही चलना चाहती हूँ, रुकना नहीं चाहती, मैं ज़मीन पे चल के काम करना चाहती हूँ और लोगों का हाथ में हाथ लेकर अपने लोगों का कि आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, हमारी कंपनी इरम्स एंटरटेनमेंट जो फिल्में बना रही है जो इश्यूज़ लेकर आती है प्लीज़ उसको सपोर्ट करिए, क्योंकि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और ये जो टाइम आया है इसी टाइम का इसी वक्त का इंतज़ार था, लोग कहते हैं इरम प्लीज़ रुक जाओ थोड़ा आराम कर लो, मैं कहती हूँ यही वक्त के लिए मैंने इतने सदियों से इंतज़ार किया। तो बहुत प्रॉब्लम्स भी आई, जुनैद भाई ने पूछा कि कैसे किया, मैंने मुझे नहीं मालूम, शायद मेरी माँ की दी हुई वो ताकत थी और मेरे ही अपनों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, आप सब ने सपोर्ट किया कि मैं यहाँ पे अपनी बात रख पा रही हूँ आज। और मैं लड़कियों के लिए भी यही मैसेज दूंगी कि प्लीज़ लड़कियों तुम वो डरो नहीं, क्योंकि अगर तुम सही हो ना तुम्हें कोई नहीं हरा सकता और वही चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी। थैंक यू बोलना चाहूँगा क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए कि जब हम यहाँ तक पहुँच तो लगता है हाँ यहाँ तक पहुँचे डॉक्टर बन गए, कमाल है कैसे कर दिया आपने ऐसे, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत थी उसके पीछे जो इनका संघर्ष था वो किसने देखा नहीं है, जो देखा है तो आज वो उसको खुशी हो रही है, जैसे फहमी दापा है, खान साहब है, हम लोग ने हमने इनका संघर्ष देखा है कैसे लड़के आगे बढ़ी है, हर सारे से लड़के आगे बढ़ी है, समाज से, लोगों से, अच्छे लोगों से, बुरे लोगों से, और सबसे ये आगे बढ़ी हुई है। तो आज जो इनको जो मिला है फिल्म प्रोडक्शन एंड द सोशल एक्टिविटीज के लिए डॉक्टर इरम आफ्ताब फरीदी का किताब, तो मैं इसके लिए बहुत थैंकफुल बोलना चाहूँगा और ये डिजर्व करती है क्योंकि इसके पीछे फहमीदा को ने कहा जो जो उन्होंने इनिशिएटिव किए हुए हैं, आई साइन सिग्नेचर 1000-2000 आज लोग साइन करना सीखे हैं और अभी और भी ये कार्यक्रम चल रहा है, और उसके बाद में वुमेंस हेल्थ इनिशिएटिव जो वुमेंस के इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है वुमेंस के हेल्थ के लिए, जो लोग एक एज के बाद में बहुत तकलीफ में आते हैं और वो अपने हेल्थ पे केयर नहीं करते तो वो पूरा प्रोग्रामिंग इन्होंने पूरा सेट किया हुआ है, और जैसे इन्होंने कहते कि अगर वुमेन एक औरत जो होती है संसार में कैप्टन होती है शिप की, अगर वो सही रहेगी तो पूरा घर सही चलता है। तो आज जो इन्होंने जो मुहिम की हुई और आज उस मुहिम पे वर्कआउट हो रहा है इनके अंडर में, कम से कम समाज और भी लोग इनके इनिशिएटिव फॉलो कर रहे हैं और फॉलो करते हुए आगे लेके जा रहे हैं, तो ये एक पहल करते हैं और लोग इनको पहल को आगे लेके जाते हैं, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग जो सोशल में वो कर रहे हैं। उसके बाद में इनका जो एसिड विक्टिम था, जो एसिड विक्टिम के बारे में इन्होंने जब जाना मालूम पड़ा तो इन्होंने उनके डोनेशन के लिए, उनके आगे स्टडीज़ के लिए कैसे करना चाहिए कि इनको कुछ काम मिले, काम कैसे मिले, क्या मिले, तो उसका भी वर्कआउट चल रहा है। और उसके बाद में जो हमारा एक इनिशिएटिव था मेंटल हेल्थ, वुमेन्स मेंटल हेल्थ, कोई भी मेंटल हेल्थ, कि इन्होंने समाज में एक अवेयरनेस की है कि मेंटल हेल्थ जो होता है वो हम पागल नहीं होते, वो एक मेंटल हेल्थ एक डिजीज़ होती है जो आपको आगे चल के बहुत प्रॉब्लम करती है, जैसे स्ट्रेस हो गया, ये हो गया, तो इसको पहले हम कैसे इसको इस पर वर्कआउट कर सके, इसके फर्स्ट स्टेप्स कैसे होते हैं, हर इंसान को आज स्ट्रेस से जूझ रहा है, हर बीमारी से जूझ रहा है और हर बीमारी की जड़ जो होती है वो मेंटल स्ट्रेस होती है, तो उससे कैसे अवेयरनेस किया जाए, तो भी इनका अवेयरनेस है। और उसके बाद अभी जो ये जो अपना ओल्ड एज केयर इनिशिएटिव जो इन्होंने लिया हुआ है उसमें भी इन्होंने बहुत सारे ऐसे वर्कआउट किए कि ये लोग जो कुछ लोग जो डिमेंशिया के थ्रू
और अपने घर भूल जाते हैं, रोड पे भटकते उनको लेके आ जाता है, तो ये क्यों करते हैं? तो ये हेल्थ मेंटल हेल्थ के इनिशिएटिव और वुमेन्स ओल्ड एज के इनिशिएटिव साथ में मिला के इस पे ये वर्कआउट कर रहे हैं। तो आप सोचिए समाज के ये जो मेन टॉपिक्स को लेके ये जो वर्कआउट कर रहे हैं, और नेक्स्ट हमारा भी आने वाला है और बहुत बड़ा टॉपिक आ रहा है साइबर क्राइम पे, हम लोग एक अवेयरनेस टॉपिक यूज करने वाले हैं जो भी समाज का बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ऐसे मुद्दों को लेके चलने वालों को डॉक्टर डिग्री मिलना जरूरी है और ऑनरेबल डिग्री मिलना बहुत जरूरी है। तो ये सब कार्यक्रम के पीछे जो मेहनत लगी है, जो सोच लगी है, जो संघर्ष किया हुआ है, वो सब इस चीज की मेहनत का इनको फल मिला हुआ है। और फिल्म की प्रोडक्शन के लिए भी बता रहा हूँ मैं, इन्होंने जो संघर्ष किया है कि आज फिल्म बनाना इजी नहीं होता है, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत फाइनेंस फंडिंग लगता है, बहुत लगता है, उस चीज़ों को भी करना इट्स नॉट खाने का काम नहीं होता है। तो इनकी हिम्मत, इनकी मेहनत और इनका जो होता है ना, हम कर सकते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब ये कर सकते हैं तो और लोग भी कर सकते हैं, बस उसको हिम्मत करनी चाहिए। और मैं चाहूँगा कि थोड़ा ये बोले कि आज मैं देख रहा समाज में हम लोग इतना काउंसिल करते हैं, लोग सिर्फ एक आदत सुनते निकाल देते हैं, कोई हिम्मत नहीं करता है, कोई आगे पाता नहीं है, आगे हम लेके आना चाहते हैं पीछे बैकअप कर लेते हैं। फैमिली तो आपको भी ये चीज़ पता है कि कितने लोग बैकअप कर लेते हैं। तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप बताइए कि हिम्मत कैसी रखे और कैसा निडर होकर आगे गए कि आपके केस में लोग पीछे डर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, और कैसे जो आगे बढ़ता है लोग उसके साथ में ही रहते हैं। मैं इसका आंसर दूं, मैं चाहती हूँ फैज अली वाजली जो हमारे क्रिएटिव प्रोड्यूसर हैं इस चीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, देन आई वांट टू यू नो गिव सो मेनी आंसर, क्योंकि जुनैद भाई ने जो क्वेश्चंस पूछे हैं विच इज़ रियली रियली इम्पोर्टेंट फॉर सोसाइटी। तो जी फैज भाई, डॉक्टर इरम फरीद अभी से कह सकता हूँ, राइट, बट आई नो दैट इरम जो आई थिंक 7 years पहले हम लोग मिले थे, सिर्फ इरम को जानता था मैं उस टाइम पे, आज वो इरम डॉक्टर फरीदी हो गई है, डॉक्टर इरम फरीदी हो गई है। एंड आई स्टिल आई नो कि मैं कहीं पर जब मेरी बात हुई थी जब स्टार्टिंग में मिले थे तो उसने कहा था मैं कानपुर से आई हूँ, तो मैं एक छोटे शहर से आई हूँ और आज मुंबई में इतने लाइक इतने बड़े सिटी में, यू कैन से बिग सिटी, कैन से बहुत बड़ी सिटी है, ग्लैमर वर्ल्ड जो भी है या जिसको कहते हैं लाइफ टाइम ऑफ मुंबई, उसमें सर्वाइव करके फ्रॉम सो मेनी ईयर्स वो इस मुकाम पर पहुँची है एंड शी अर्न दैट दिस पोजिशन। आई नो दिस इरम फ्रॉम लॉन्ग टाइम कि वो किस तरह से अपनी चीज़ों को ना परफेक्टली कर रही थी। तो हमेशा इस बात में मेरी भैंस को देखते से कह रहे हैं इतने इतने क्या जरूरत है कब करने की, तो शीज़ वाले से नहीं यार जब तक मेरा परफेक्शन मेरा खुद नहीं मन नहीं बोले ना कि ये नहीं कर परफेक्ट नहीं है मैं सामने हो क्या यू नो ये कर पाऊंगी। तो आज भी आपको चीज़ें समझ में आ रही कि वाई छोड़ से चीज़ों को ये रिपीटली करती थी कि हाँ ये करना है, ये करना है, ये करना है। आई एम हैप्पी कि अब आज उसको मिला है डॉक्टर का जो बहुत बड़ी उपाधि है, जो एक बड़ी जिम्मेदारी है डॉक्टर इरम फरीदी ये खुशी के आंसू है जो आनी चाहिए, जो जायज है, जरूरी है। पिछला साल तो मेरा बहुत बुरा था, मैं केस भी लड़ रही थी, ऐसी जंजाल में फंसी थी कि शायद मैं आप सबके सामने नहीं होती, जिंदा नहीं होती। पूरी कोशिश की गई थी कि मैं ख़त्म हो जाऊं, क्योंकि यहाँ हमारे मुंबई में ऐसे लोग हैं जो बाहर से आते हैं, जो ऐसी औरतों को ढूंढते हैं जो इंडिपेंडेंट हो। मेरे साथ भी किया गया और मुझे किसी चीज़ में फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं फोकस थी कहा हमेशा से, मैं डरी नहीं, मैं सहमी नहीं, मैंने मैंने फ़ाइट की। बहुत लड़कियों के साथ गलत हुआ था।